हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सो दोस्तों, मनीषा के दिनचर्या ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिए और हेल्दी और टेस्टी नाश्ता का चलिए फटाफट रेडी कर लेते हैं। तो हम लोग हेल्दी टेस्टी नाश्ता खाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, दो प्याज मैं पतला से काट के ली हूँ और दो मिर्ची है और इधर ये आलू है जिसको कि मैं चॉप कर ली हूँ। इधर दरा है, मोटा है, देखिए। तो इसको मैं सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैं सारा डाल दूँगी, ये सब डाल दूँगी और ये जाएगा। इसको पहले मैं आधा डालती हूँ और इसमें मैं नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार नमक। और इसमें मैं दही डालने वाली हूँ, एक चम्मच, देखिए लगभग एक चम्मच दही। और इस सब को ठीक से अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। इसमें चाहे तो आप मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं मसाला नहीं डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, पर मैं मसाला नहीं डालूंगी क्योंकि मैं सादा बनाने वाली हूँ और हेल्दी बनाने वाली हूँ। दही डालने के बाद थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। और ये इसको मिला दिए दोस्तों, अब इसको मैं सेट होने छोड़ दूंगी। तब तक मैं उधर आटा पिसान लेती हूँ। ये हो गया, इसको सेट होने छोड़ देते हैं, तब तक आटा पिसान लेती हूँ। तो दोस्तों, ये रहा, ये देखिए, ये रहा चावल का आटा। अब इसको मैं जितना चाहिए हमको इसमें लेके इसको गूंद लूंगी। सो दोस्तों, ये देखिए, आटा में थोड़ा सा नमक मैं डाल दूंगी इसके हिसाब से, और थोड़ी सी हल्की सी हल्दी पाउडर। और इसको मैं गर्म पानी से गूंद लेती हूँ। ये रहा गर्म पानी, इसको मैं गूंद लेती हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको मैं गूंद लूंगी। सो दोस्तों, ये जो आटा मैं रेडी करके रखी थी, सबसे पहले इसका मैं लोई बना लेती हूँ। इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, मैं इसका लोई काट ली हूँ। और ये देखिए, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सूखी आटा लगा लेती हूँ और फिर इसको धीरे से हल्के से इसको बेल लेंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। इसी तरह से इस सारा भी बेल के रख लूंगी मैं। सो दोस्तों, ये देखिए, लोई मैं काट ली हूँ और इसको इसमें थोड़ा सा सूखी आटा लगा के इसको धीरे से बेल लेंगे। इस तरह से इसी तरह से सारा मैं बेल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ये देखिए, इसी तरह से सारा मैं बेल ली हूँ। देख रहे होंगे किसमें मेरा बेला हुआ है। और इसी तरह से इसको भी मैं बेल लेती हूँ। देखिए, इसी तरह से सारा मैं बेल ली, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब इस पे मैं इस जो रखी थी और इसको मैं इस तरह से फैला दूंगी। इस तरह से ठीक से इस तरह से फैला लेना है दोस्तों, फटाफट। और देखिए, और ये जो रोटी है, इसे इसको इस तरह से कवर करना है ना, इस तरह से। और इस तरह से कवर करना है, ठीक से इसको इस तरह से इस तरह से मुड़ मुड़ के कवर कर लीजिए। इसी तरह से ये भी बना लेती हूँ मैं, फिर इसको बनाएंगे। सो दोस्तों, ये देखिए, मैं कुकर चढ़ा दी हूँ और इसमें पानी डाली थी मैं थोड़ा सा, इसमें उबाल भी आ गया है। और मैं इधर, ये देखिए,
छन्नी में मैं ठीक से इसको जो बनाई थी इसको मैं रख दी हूँ। अब इसके ऊपर मैं रख देती हूँ और इसको मैं ठीक से ढक दूँगी, और इसको मैं ठीक से ढक रही हूँ, भाप से होगा। 2-3 मिनट के लिए ढकूँगी, फिर जो है कि इसको देखूँगी कैसा हुआ। चलिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया है, देखते हैं कैसा हुआ है। ये देखिए थोड़ा बहुत और पकेगा, पक गया है तो इसको और 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और इसको इस तरह से फिर से मैं ढक देती हूँ। 1-2 मिनट में ये हो जाएगा, लगभग 3-4 मिनट में हो जाता है। चलिए दोस्तों, जब तक उधर हो रहा है तब तक मैं ये थोड़ा सा बेसन है इसका घोल बना लेती हूँ। इसमें भी थोड़ी सी हल्दी चाहिए कलर के लिए, हल्का सा दोस्तों देंगे, और बस इसी के अनुसार से हल्का सा नमक, और इसका मैं घोल बना लेती हूँ। पतला घोल बनाएंगे दोस्तों, ये घोल रेडी हो गया। अब उधर चल के देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल रेडी हो गया है, अब उधर चल के देखते हैं कैसा हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों कैसा हुआ। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, ये हो गया है, तो अब इसको मैं हटा देती हूँ। और सो दोस्तों ये देखिए इसको मैं निकाली हूँ, अब इसको मैं काट लेती हूँ। ये मैं छन्नी में बनाई थी इसलिए इस तरह से सेफ हो गया है इसका। इसको आप जाली पे रखिएगा तो उस ऐसे ऐसे ही रहेगा। इसको मैं ठीक से काट लेती हूँ, देखिए इस तरह से। इस तरह से भी काट सकते हैं जैसा आपको चाहिए। अरे वाह वाह, इस तरह से मैं सारा काट लेती हूँ। सो दोस्तों देखिए इधर मैं पैन चला दी हूँ, हो गया है गर्म, और इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल, और इसको इस तरह से फैला दूंगी। और जो बेसन का घोल मैं रेडी की थी उसमें ये पीस को डुबाना है, और इस तरह से सारा सेक लेंगे। देखिए दोस्तों इसको मैं एक बार पलट ली हूँ। देखिए मैं ये 2 गो जो है कि इस तरह से कट की हूँ, और सभी सब इस तरह से मैं काटी हूँ। तो आप लोग की मर्जी, जैसे आप इसको काट सकते हैं जैसे पसंद आए आप लोग को। इसको इसी तरह से ठीक से सेक लेना है, कितना अच्छा कलर आ गया है। ये सिझा हुआ है, इसको हल्का फल्का सेक लेना है, और फिर नाश्ता रेडी। सो दोस्तों ये देखिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता बन के रेडी है बहुत कम समय में। तो ये हो गया है, इसको बस 1-2 बार पलटना है, पहले से ही ये हो गया था सिझा हुआ था, तो इसको ज़्यादा नहीं सिझाना है। ये अब हो गया है दोस्तों, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ और चलते हैं नाश्ता करने दोस्तों। सो दोस्तों ये देखिए मैं बना के ले आई हूँ हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो दोस्तों आप लोग खाने के लिए रेडी है, और मैं भी, मुझे भी भूख लगी है, तो मैं फटाफट खा लेती हूँ। आप लोग भी खाइएगा जरूर, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। और तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूंगी, तो कल फिर मिलूंगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों थोड़ी सी भी पसंद आई हो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।